मुंबई में जिम करते वक्त एक लड़की की मौत हो गई। पेरेंट्स के मन के अंदर ये बहुत बड़ा डर बन चुका है आज के समय में कि क्या जिम जाने से डेथ होती है। काफी सारे लोगों के मन में ये चीजें आज के समय में आ रही होगी, तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल आप सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। क्या सच में आपके जिम जाने से आपकी डेथ होती है क्या, या जिम जाने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है? दोस्तों सबसे पहले न्यूज चैनल और मीडिया के हाल देख लेते हैं कि आखिर मीडिया क्या कहती है। तो देख सकते हैं आप सभी, सबसे पहले मुंबई में जिम करते वक्त एक लड़की की मौत हो गई। जनेडा एक्सरसाइज कर ही रही थी कि अचानक से उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। उनके सीने में तेज दर्द हुआ और इसके बाद जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस वक्त हुआ जब लड़की वर्कआउट कर रही थी। आजकल जिम में वर्कआउट करना एक ट्रेंड बन गया। सूर्यवंशी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे। राजू श्रीवास्तव को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस तरह ये जो न्यूज चैनल वाले, ये जो मीडिया वाले हैं, एक छोटी सी खबर को ये इतना बड़ा बढ़ाकर दिखाते हैं। मतलब आपके अंदर पूरी तरह आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी इस डर को बिल्कुल दूर निकालें, इस तरह की खबरों से आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप सभी देख रहे होंगे कि आज के समय में हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, काफी सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अभी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी जो हस्ती है वो बिल्कुल यंगस्टर है। वो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की यदि बात की जाए, जैसे राजू श्रीवास्तव की यदि बात की जाए, राजू श्रीवास्तव की जो डेथ हुई थी वहां पर जो रीजन बताया गया था कि वो ट्रेडमिल पर, जिम में जो ट्रेडमिल होती है उस पर वो वर्कआउट कर रहे थे, उस पर वो दौड़ लगा रहे थे, तो उस पर वो गिर गई, तो उसके कारण उनकी डेथ होगी। इसके साथ साथ और भी काफी सारे फिट एक्टर्स हैं जिनकी एक कम एज में, 50 अंडर 50 एज में उनकी जो है डेथ हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर हार्ट अटैक हमें कैसे होता है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी के लिए हार्ट अटैक से यदि आप सभी को बचना है तो क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, कैसे आपका जो हार्ट है वो एक हेल्दी हार्ट रह सकता है। इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या सच में आपके जिम जाने से आपकी डेथ हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें आप सभी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं आखिर ये जो हार्ट अटैक है ये आपको होता कैसे है। तो हमारे हार्ट के लिए जो ब्लड आता है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आता है। वो ये जो आर्टरी है इसी के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन भी आता है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के हार्ट में जो ब्लड फ्लो जाता है वो इसी के थ्रू जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये जो आर्टरी है, जैसे हर कुछ यदि आपकी बॉडी के लिए, यदि आपकी बॉडी के लिए खाना जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है, ये जो आर्टरी है वो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है और आपका वो जो खून आना है आपके हार्ट के लिए वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये एक मेन रीजन रहता है, जैसे वो बंद हो जाती तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि आपका खून बिल्कुल जम जाता है और बिल्कुल प्लेक्यू बन जाता है वहां पर। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, हमारी बॉडी का ये जो हार्ट है इसका जो मेन जो काम होता है वो होता है इसका ब्लड को पंप करना, यानी कि पूरी बॉडी के लिए ये हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। तो ये एक इसका मेन काम होता है ये। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इसके ऐसे कौन से रीजन होते हैं जिससे हमारी बॉडी में हमें हार्ट अटैक हो सकता है, हमारी बॉडी हार्ट अटैक का शिकार हो सकती है। इंपॉर्टेंट जो इश्यू आता है कि सबसे पहले मेन जो इश्यू आता है, काफी सारे लोगों को अपनी मेडिकल हेल्थ के बारे में पता नहीं होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता नहीं होता कि हमारी बॉडी अंदर से कैसी है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप सभी अपने बॉडी का मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, आपके हार्ट अटैक का एक जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है आपका फैमिली इशू भी हो सकता है। कोई पहले से यदि आपके दादा हो, परदादा हो, चाहे कोई भी आपकी फैमिली में इस तरह के यदि कोई पेशेंट रहते हैं तो ये भी आपका एक हार्ट अटैक का एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट जो इशू आता है आपका, वो आता है आपका जेनेटिक्स भी आपका इशू हो सकता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो आप डायबिटीज के आप शिकार हो जाते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी में एक हार्ट अटैक का रीजन हो सकता है। नेक्स्ट मेन जो इशू रहता है आपका, वो है आपका बैड हैबिट्स में आपका जो आता है, जैसे आपका यदि आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं, ये भी आपकी बॉडी में एक सबसे बड़ा रीजन बन सकता है ये आपकी बॉडी में। तो प्लीज इस चीज को गुड बाय कहें। दोस्तों आज तक ये जो खबर सुनने में आती थी ये 50 साल से ऊपर की सुनने में आती थी, पर आज के समय में ये 15 साल के, 20 साल के, 35, 40, 50 किसी भी एज के पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो फिट है चाहे अनफिट है, ये किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका स्ट्रेस डिप्रेशन। तो ये दोनों चीज एक ऐसी चीज है जो कि आपको पूरी तरह आपको मेंटली आप बिल्कुल खराब हो जाएंगे, अंदर से आपकी बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगी, और इसके साथ साथ ये जो आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है उनको भी ये बिल्कुल डिफेक्ट करेगा। तो इसलिए आप स्ट्रेस और डिप्रेशन इस चीज़ से भी दूर रहे। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइजें जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी हार्ट अटैक का एक जो मेन जो रीज़न हो सकता है वो आपका मोटापा भी हो सकता है। यदि आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मोटापा है, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि एक जो मोटापा जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियों वो पैदा करती है। तो नेक्स्ट जो इशू रहता है आपका वो है आपका बैड लाइफस्टाइल, यानी कि जिसमें आपका ना तो आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ये भी हो सकता है, और इसके साथ साथ हर कुछ आप अपनी बॉडी के लिए खाने के लिए खा रहे हैं, ये आपका एक मेन इशू रह सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर वन, एक तो आपको अपनी बॉडी के लिए कोई ना कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही करना है, यहाँ पर आप काफ़ी सारी आप ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पर कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, चाहे वो कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स कोई भी गेम हो, कबड्डी खो खो कुछ भी ऐसा कोई भी गेम हो, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हो आप, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो बेकार के जितने भी जंक फूड वगैरह जितनी भी ये जो चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे आपका जो हार्ट है बिल्कुल हेल्दी हार्ट बना रहेगा वो। तो इसके साथ साथ एक मेन जो इशू रहता है वो ये रहता है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर आप सभी को स्लीप लेनी है ताकि हमारी बॉडी के जो हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज हो सके और हमारा जो हार्ट है वो भी एक हेल्दी हार्ट बना रहे। तो ये थे कुछ एक रीज़न, कुछ एक बैड हैबिट्स जो कि आपको अपने अपने अंदर से निकालनी है और एक अच्छा रूटीन आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है अपनी डेली डाइट में, आपको ऐड क्या करना है, विटामिन के, जिसमें जो भी विटामिन के जो भी सोर्स है उनको आप सर्च करके गूगल पर देखें कि ये विटामिन के सोर्स है, तो उनको आप एक बार जरूर देखें। इसके लिए एडवाइस देना चाहूँगा, मैक्सिमम जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल में आती है तो उसको आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होगी वो। जैसे आपका एप्पल हो गया, आपका एवोकाडो हो गया, जैसे आपका पीज हो गया, स्पिनेच हो गया, आपका कैबेज हो गया, जैसे ब्रोकली हो गई, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एक पॉइंट। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या जिम जाने से सच में ही आपकी डेथ हो सकती है या आपको हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों ये जो बात है, ये जो मिथ्स है, ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा मैक्सिमम जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की बात की जाए, चाहे राजू श्रीवास्तव की बात की जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जाती है उसमें पूरी तरह उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। कोई भी न्यूज़ देखें आप उसमें पूरी तरह उसमें क्लैरिफाई नहीं होता, या डॉक्टर की उसमें कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं होती। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि HIIT जो ट्रेनिंग होती है उसको आप बिल्कुल ना करें। यदि आपका हेल्थ इश्यू, यदि आपका अच्छा नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछले दिन आपकी बॉडी में, मान लीजिए आज के दिन आपकी बॉडी में फेवर है कि कोल्ड है, कुछ भी है, तो नेक्स्ट डे आपको जिम नहीं जाना है, उस दिन आप बिल्कुल रेस्ट करें, क्योंकि कोई इशू भी हो सकता है आपकी बॉडी में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके जिम जाने से आपकी डेथ हो जाती है जैसी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।